स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर दावे की गांव गांव में सहायक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है और गांव गांव में मेडिकल टीम दौरा करती है। ये दावे खोखले तब नजर आते हैं जब झोला छाप डॉक्टर धड़ल्ले से अपनी दुकान चला रहे हैं और कभी कभी तो मरीज की जान पर भी बनाती है। और ऐसे भी अंतगढ़ ब्लॉक के ताड़ोकी की घटना सामने निकल कर आई है, जहां एक सरकारी डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया और उसका पैर गलने लगा। तड़पता मरीज अपनी गुहार लेकर कहां कहां नहीं गया कि आरोपी डॉक्टर के दस्तावेजों की जांच कर उचित कार्रवाई हो सके। और पीड़ित ब्रजलाल गुप्ता ने शिकायत थाने में भी की है। और आपको बता दूं कि अगर पूरे जिले की बात करें तो ऐसे सैकड़ों झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान चला रहे हैं, लेकिन प्रशासन मौन बैठा है। हमारे साथ में एसडीओपी जुड़ गए हैं, कौशलेंद्र पटेल जी। कौशलेंद्र पटेल जी, सबसे पहले आपका स्वराज एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अंतगढ़ से मामला सामने आया है जहां पर एक युवक है जिसने इलाज करा अपने पैर का और उसके बाद उसका पैर सड़ने लगा। तो जो छोड़ा छाप डॉक्टरों के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या आपके संज्ञान में है ये मामला? ये एक्चुअली मामला अंतगढ़ का नहीं है, ये ताड़ोकी थाना पड़ता है, वहाँ का मामला है, अंतगढ़ ब्लॉक का जी। और ये है मामला, आवेदन दिए हैं जो पीड़ित परिवार है उनके तरफ से आवेदन आया हुए हैं। अभी पीड़ित भानु प्रतापपुर हॉस्पिटल में इलाजरत है और अभी इसमें जांच हो रही है जी। इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से इसमें जांच होना है जी। जी जी कौशलेंद्र जी, कब तक ये जांच पूरी हो जाएगी? अब ये मेन तो इनका जांच जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से करना है, वो जो भी डॉक्टर है उनके लाइसेंस का और बाकी चीजों का जांच पहले प्राथमिक तौर पे उन्हीं की तरफ से होगा जी। कौशलेंद्र जी, बाकी युवक की जो स्थिति है वो आपने भी देखी होगी, काफी ज्यादा दयनीय है। तो युवक को किस तरह से इलाज दिया जा रहा है, उसकी किस तरह से सहायता की जा रही है? अभी इस संबंध में तो जानकारी नहीं है जी, भानु प्रतापपुर में इलाज रहते तो ऐसे डायरेक्ट संपर्क नहीं हो पाया है उससे, फोन से बात हुई है मेरी जी। और कौशलेंद्र जी, जो झोला छाप डॉक्टर हैं, लगातार उनका जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर एक युवक की जान पर बनाई है, तो डॉक्टर पे किस तरह की धाराएं बनेंगी? अब ये तो मेन क्या है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो डॉक्टर्स की टीम बनेगी जो जांच करेगी, उनका जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे फिर जो धाराएं बनेंगी तभी बता पाएंगे जी। चलिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और संवाददाता इशाक खान भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। इशाक, आपने सुना होगा हमारी बात हुई एसडीओपी से, तो उनका कहना है कि जांच जारी है और जांच होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। जी, मैं बताना चाहूंगा कि झोला छाप डॉक्टरों का ग्रामीणों के जान के साथ खिलवाड़ अधिकतर हो रहा। पिछले साल भी एक ऐसा ही घटना हुआ था जी, जिसे ग्राम अंतगढ़ से 10 किलोमीटर दूर ब्लॉक में भैंसासुर ग्राम में एक झोला छाप डॉक्टर अपने घर के अंदर मेडिकल स्टोर खोल के रखा था जी। उस पर भी एक कार्रवाई हुई थी, लेकिन कुछ खासा अच्छा कार्रवाई नहीं हो पाया था जी। और इशाक, अगर इस डॉक्टर की बात करें जिसने युवक का इलाज किया है, तो उसका क्लिनिक क्या अभी भी जारी है या किसी तरह की रोक लगा दी गई अभी? नहीं नहीं, किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया गया, अभी भी धड़ाके से क्लिनिक उसकी चालू है, गांव गांव में घूम घूम कर वो इलाज कर रहा है झोला छाप डॉक्टर। और बता दूं मैं कि वो इससे पहले भी एक मामला और हो चुका है जी, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल, एक बड़ी लापरवाही इसे कह सकते हैं शासन और प्रशासन की। बाकी अगर युवक की हालत की बात करें तो अभी कितना सुधार देखा जा रहा है? युवक का जानकारी मिली थी, युवक के पैर में एक स्क्रैच आया हुआ था, जिससे वो ट्रीटमेंट करवाने झोला छाप डॉक्टर के पास गया, तो उसे कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाया या टेबलेट दिया कि उसका घाव बन गया, वो जो स्क्रैच था वो घाव में। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका इशाक।
और खकनार में आदिवासी